नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के बारे में। आपको बता दो दोस्तों, मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना में ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। मैंने वीडियोस भी बनाया था दोस्तों, लेकिन दोस्तों यहाँ पे सभी लोग हैं अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ही लोगों को 40,000 रुपये की प्रतिमाह नौकरी मिलेगी दोस्तों। अगर हम अप्लाई करने वाले हैं दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने में आपको बताने वाले कहाँ कहाँ के लोग हैं जो अप्लाई कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों बताने वाले हैं। अगर इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखोगे, जब भी आपको अच्छे से जानकारी समझ में आएगी, पूरा तरीका बताने वाले कहाँ के जो भी मतलब कौन कौन विकास खंड के लोग अप्लाई कर सकते हैं, किस किस डिस्ट्रिक्ट में कहां कहां पर कितनी है जो भी है लोग अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। अधिक जानकारी समझने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको सीएम फेलोशिप योजना यानी जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर चले आना होगा। इसका लिंक दोस्तों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, या तो आप किसी पेज में सर्च करोगे cmfellowship.psdc.gov.in, आप इस पेज पर आ जाओगे तो आपको लिखा मिल जाता है मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम है तो जो विस्तृत दिशा निर्देश एंड पात्रता एवं शर्तें हैं। अब दोस्तों यहाँ से आपको एक लिस्ट को डाउनलोड करना पड़ेगा, जो आप इंग्लिश में डाउनलोड कर सकते हो, हिंदी में डाउनलोड कर सकते हो, जिस प्रकार से आप समझना चाह रहे हो उसी पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ से पूरी पात्रता की लिस्ट आ जाएगी, यहाँ से आप देख पाओगे किस किस विकास खंड में लोग अप्लाई कर सकते हैं, किस किस विकास खंड के लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में मतलब जो भी कहाँ कहाँ ब्लॉक में निकली हैं। अब देखिए मुख्यमंत्री फेलोशिप का कार्यक्रम दिशा निर्देश यहाँ आगे पीडीएफ देखिए, यहाँ पे सारा कुछ लिखा है, वो भी यहाँ पे आप डिटेल को रीड कर पाओगे, क्या काम करना पड़ेगा जब आप नौकरी में लगोगे, क्या इसकी पात्रता है, और नीचे स्क्रॉल करोगे तो परियोजनाएं क्या है, आयु सीमा क्या है, भूमिका क्या है, वो अब सब कुछ यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। कार की रिपेटिंग जो भी होता है वो आप डिटेल को रीड कर सकते हो, लेकिन हम मुद्दे पे आते हैं, नीचे स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको दोस्तों चले आना, देखिए विकास खंडों में सूची दोस्तों आपको पता होगा लगभग उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 75 जिलों में से जो 34 जनपदों की दोस्तों यहाँ पे सूची है, 100 ब्लॉकों में दोस्तों एक एक लोगों की नौकरी लगेगी। अब दोस्तों आप समझ सकते हो 75 जिलों में से सिर्फ 34 जिलों में जो है दोस्तों वैकेंसी निकली है सिर्फ 100 ब्लॉकों में। अब यहाँ पे सबसे पहले विकास खंड का नाम मिल जाएगा, यहाँ पे जनपद का नाम मिल जाएगा। आप दोस्तों एक बार चेक करके देख लें कि आपकी डिस्ट्रिक्ट में निकली है वैकेंसी आपके ब्लॉक से या नहीं। अभी फिर विकास खंड जनपद देखिए अंबेडकर नगर में भेटी विवाह टांडा जो भी है, देखिए ये 3 विकास खंड में निकली है अंबेडकर नगर में। और अमेठी में देखोगे तो यहाँ पर भी दोस्तों 1-2 और यहाँ पे इसमें भी 2 जगह निकली है। अभी बलिया में काके उसमें निकली है, बांदा में, महोबा में, बरेली में, और यहाँ पे दोस्तों जो भी पीलीभीत बस्ती में, संत कबीरदास नगर, बिजनौर, बदायूं, गाजीपुर, देवरिया, यहाँ पे दोस्तों जो भी मतलब डिस्ट्रिक्ट है सब कुछ यहाँ पे देख लेना होगा। देखिए महाराजगंज में दोस्तों यहाँ पे देखिए कितने निकली हैं, 1-2-3, यहाँ पे 3 यहाँ पे भी दोस्तों है, तो यहाँ से आप चेक कर लेना होगा। चेक करने के बाद मान लो आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है, आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी आपकी ब्लॉक लग रही है उस ब्लॉक का यहाँ पे अगर नाम आ रहा है तो आप दोस्तों अप्लाई कर सकते हो, फॉर्म को भर सकते हो, आपका भी नाम आ सकता है, आप भी प्रतिमाह 40,000 रुपये की नौकरी कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम या फिर ब्लॉक का नाम नहीं आ रहा है तो दोस्तों आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर अप्लाई कर भी दोगे तो आपका फॉर्म नहीं निकलेगा, क्योंकि वहाँ के लिए वैकेंसी नहीं निकली, सरकार ने वहाँ के लिए दोस्तों लिस्ट नहीं निकाली है। सिर्फ 34 जिलों में दोस्तों ये जो है वैकेंसी निकाली गई है, और 100 ब्लॉक में सिर्फ 1 ब्लॉक में 1 सदस्य को लिया जाएगा दोस्तों, व्यक्ति को काम दोस्तों दिया जाएगा यानी। तब दोस्तों अब तो आपको समझ में आ गया होगा, ये दोस्तों जानकारी काफ़ी लोगों की जरूरत है, क्योंकि दोस्तों आप टाइम भी बर्बाद करो, फॉर्म भरो भी और आपको कोई फ़ायदा ना मिला तो फ़ायदा क्या। तो इस लिस्ट को जरूर चेक कर लें, बाद में दोस्तों फॉर्म भरें, आपका नाम आ रहा है। मैंने दोस्तों वीडियो सुना दिया कि ऑनलाइन फॉर्म को कैसे भरना है, उस फॉर्म को दोस्तों भर सकते हो। बाद में दोस्तों किसी प्रकार की प्रॉब्लम या दिक्कत आती है फॉर्म भरते समय तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं वीडियो सुना दूंगा। लेकिन हालांकि दोस्तों अभी तो दिक्कत आपके सामने आ सकती है, क्योंकि अभी न्यू वेबसाइट शुरू हुई है, उसमें कोई कभी कभी मार्कशीट अपलोड नहीं होती, कभी कभी दोस्तों OTP वगैरह नहीं आती, तो आप 2-1 दिन वेट भी कर सकते हो, बाद में भर सकते हो। इसकी लास्ट डेट दोस्तों है 24 अगस्त तक, 10 अगस्त से शुरू हुआ है और 24 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हो आसान तरीके से। और आपको दोस्तों जो है आगे चल जो भी अपडेट मिलेगा मैं आपको बता दूंगा, और आपको नौकरी करने का मौका दोस्तों मिल सकता है। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छे समझ में आ गई होगी दोस्तों, एक बार इस लिस्ट को जरूर चेक कर लें दोस्तों, मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा, जिससे आप एक सही जानकारी ले सको और सही से सटीक से जानकारी समझ सको दोस्तों। तो मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।